लेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा कमल विहार का मामला भी। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने उठाया मामला, लैंड यूज बदले बिना टेंडर निकालने का मामला है। बगैर लैंड यूज बदले टेंडर निकल गया, राजेश मूणत ने यह बात कही। आज कमल विहार अंधेरे में डूबा हुआ है, यहां यह बात कहते नजर आए राजेश मूणत। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कहा कि जांच कराकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा सवाल यहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया। और साथ ही मंत्री ओपी चौधरी ने दिया राजेश मूणत के सवालों का जवाब। उन्होंने कहा कि 2021 के मास्टर प्लान में सिटी पार्क लैंड यूज था। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, ये मामला पूरा गर्माता हुआ सदन के अंदर नजर आ रहा है, अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, अभी लंच अवकाश हो गया है, लेकिन इससे पहले काल में बहुत सारे विषय आए, खासतौर पे सोनल पैनल से जुड़ा हुआ है, मसला आया था। इसके अलावा रजिस्ट्री में जो है गड़बड़ी का मसला आया था, और विपक्ष की तरफ से शून्यकाल में स्थगन भी दिया गया है मलेरिया और डायरिया जैसे मामलों को लेकर के। तो आज भी सदन काफ़ी गर्म रहा, और एक ध्यानाकर्षण आया था, वो है CGMSE में, जहां पे दवा और उपकरण खरीदी में भारी अनियमितता का जो है मामला उठाया, और एक तरीके से सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही जो है अपने मंत्रियों को घेरा है, और काफ़ी असहज भी नजर आए कई मसलों पर मंत्री जो है। और सोलर पैनल वाले मसले पर तो कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सदन की समिति से जांच कराने का ऐलान भी कर दिया है, और उसी तरीके से रजिस्ट्री में जो गड़बड़ी हुई है उस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कहा है कि राज्य स्तर पर एक समिति का गठन करके इन तमाम मसलों को जो है जांच कराया जाएगा। तो ये प्रश्नकाल का जो समय रहा है उसमें एक मुद्दा ये भी रहा कि जो कमल विहार से संबंधित जो मसला है, जिस पे भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने कहा कि वो अब तक जो है विकसित नहीं हो पा रहा है, और उसमें टेंडर प्रक्रिया में जो है भारी गड़बड़ी देखने को मिला है। लेकिन